राम राम भाई लोग। तो आप लोगों को तो पता ही है कि भाई एशिया कप शुरू हो गया है और जल्दी भाई 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला है। तो हम लोगों ने भी भाई ठान लिया कि हम लोग भी खेलेंगे भाई भारत वर्सेस पाकिस्तान रियल क्रिकेट 22 में। तो भाई यहाँ पर क्या हो गया था, मैंने 5 ओवर का मैच रखा था, 5 ओवर में भाई पाकिस्तान ने रखी थी भाई हार्ड कोर बॉलिंग, तो भाई ऑटो प्ले कर दिया। तो पाकिस्तान ने बनाए थे भाई 5 ओवर में 57, मतलब 57 रन 3 विकेट खोने के बाद। और भारत को टारगेट था भाई 58 का। तो अभी जो है हाल कुछ मैच का ऐसा है कि 2 ओवरें बची थी आखिरी की, उसमें भारत को चाहिए थे 23, और फिर अभी जो आखिरी ओवर में उसमें भारत को चाहिए भाई 10 रन। तो देखते हैं क्या भारत 10 रन चेस कर पाता है आखिरी ओवर में, या पाकिस्तान डिफेंड कर लेता है 10 रन को। सो जल्दी से देखते हैं। और हाँ भाई, आखिरी तक बने रहना इस वीडियो में, बहुत सारा मज़ा है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। सो 3 2 1 लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर भाई इमाद वसीम के पास, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद वसीम के पास बॉल है, ये यहाँ पर डालेंगे भाई अपनी आखिरी ओवर इस मुकाबले की। तो यहाँ पर भाई देखो, हमें चाहिए 9 रन, माफ़ कीजिएगा 6 गेंदों में मैंने 10 कहा था। अब सामने की तरफ मारेंगे भाई, मिस कर गए यार, शिट। अब चाहिए 5 गेंदों में 9 रन। तो भाई मेरे थोड़े हाथ कंप रहे हैं कि कैसे खेला जाए। तो यहाँ पर भाई ओके, तो इसको हम लोग भाई सिंगल ले लेंगे, मैं लॉफ्ट करने वाला था बट सिंगल से काम बन जाएगा इसका। यहाँ पर गैप में ढकेल के 1 रन नहीं भाई 2 रन मिल जाएंगे, और मिल भी गए भाई 2 रन, बढ़िया। यहाँ पर चाहिए रहेंगे मतलब 4 में 7। तो भाई यहाँ पर सिचुएशन अभी भी बहुत कठिन है, देखते हैं क्या बन पाते हैं, कैसी गेंदों की। लॉफ्ट तो मैंने दबा दिया है, और हाँ भाई इसको लेग साइड में उड़ा दूंगा, और कई भाई बॉल, शायद चौका मिल सकता है, जी हाँ 4 रन, कैप में गई बॉल, खूबसूरत लेग साइड की ओर शॉट खेला, रोहित शर्मा के बल्ले से आता हुआ चौका, और यहाँ भारत की जीत पर एक और मोहर लगता हुआ। 3 ही रन चाहिए, हाथ में गेंदे भी है 3, और भारत की जीत के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में भी। वसीम ने यहाँ पर पैरों पे गेंद डाली और उसको मस्त तरीके से फ्लिप किया रोहित शर्मा ने। अब 6 रन का रन रेट चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट, क्योंकि भाई 3 गेंदों में चाहिए 3 रन। तो अब देखते हैं किस तरीके से इसको मैं मारूंगा भाई ऑफ साइड में, और सिंगल ले लेंगे हम लोग, क्योंकि अब भाई जीत अपने हाथ में है। तो क्यों, यहाँ पर 2 रन हो सकते हैं, जी हाँ भाई हो गए। तो यहाँ भाई देखो, अभी 1 गेंद में 1 रन चाहिए, तो अब मैं चाहूँगा कि भाई एक छक्का मार के मैच फिनिश हो जाए, रोहित शर्मा एक छक्का मार के भाई मैच को फिनिश कर दे। तो अभी मैं इसको मारूंगा भाई वापस एक बार ऑफ साइड में, और ये उड़ी के नहीं, यही गिरेगी। तो भाई कोई रन नहीं लेंगे हम, मतलब अब चाहिए 1 में 1। तो यहाँ पर भी मैं चाहूँगा कि भाई छक्का मार के हो सकता है जीत मिल जाए, मैं सामने की तरफ हो सकती है भाई, यहाँ पर यॉर्कर का ट्राई करेंगे वसीम, देखते हैं किस तरीके की गेंद आती है। और हाँ भाई, मैं कुछ सुपर ओवर भी हो सकते हैं, सेंस हो रहा पीछे नहीं सामने मारूंगा भाई यॉर्कर, कहा था मैंने। अब यहाँ रन, अरे भाई ये कैंसिल हो गया, अरे दाई रे, 1 रन चाहिए भाई अपने को। ओ भाई साहब, शायद ही रन आउट है, जी हाँ भाई, मतलब सुपर ओवर खेलना पड़ेगा भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में सुपर ओवर। एशिया कप का पहला मुकाबला भारत का, पाकिस्तान का दूसरा, और यहाँ होती हुई भाई सुपर ओवर, भारत बनाम पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बनाए थे भाई पहले इनिंग में 57 रन, और वही उसके जवाब में भारत 58 को चेस कर दिया था। भारत ने भी बनाया भाई 57 रन, शाहिन शाह अफरीदी, रोहित शर्मा है ओपनर, शाहिन शाह अफरीदी भाई बॉलर। यहाँ पर पहली गेंद शाहिन शाह अफरीदी की, और यहाँ देखना पड़ेगा क्या होता है। तो यहाँ वापस मैं फ्लिक करने को चाहूँगा लेग साइड की तरफ, भाई बहुत बढ़िया शॉट है ये, 4 रन मिलेंगे, कमाल कमाल भाई कमाल, ये हार्ड बॉल में मैंने पहली बार इतना अच्छा शॉट खेला गया। तो भाई 4 रन मिल गए अपने को पहली बॉल पे, जिस तरीके से फ्लिक किया ना, आहा भाई मज़ा ही आ गया भाई, बहुत ही खूबसूरत 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर एम्पायर के सर के ऊपर से सीधा लेग साइड की दिशा में भाई होल्डिंग्स को लगता हुआ 4 रन के लिए शॉट, कमाल कमाल कमाल। अब वापस मुझे लगता है कि भाई लेग साइड में डालेंगे, ये लेग साइड में उठाना पड़ेगा अपने को, लॉफ्ट वापस एक बार मैंने ट्राई कर दिया, नहीं भाई बाउंसर, इसको भी ट्राई मारेंगे और उठ गई, शायद चौका, नहीं 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 यहाँ भी 1 ही रन के साथ संकोच, जो ओके ओवर फिर हो कि चलो चलो भाई ओवर थ्रो हो गया, और ओके यार मेरे को लग रहा है विकेट गवा दी भाई भारत ने, ओवर थ्रो हो गया था दूसरे के लिए, ट्राई किया 1 बाउंस का, वार्निंग मिलता हुआ भाई शाहिन शाह अफरीदी को, भाई मेरे को रन आउट का बताया यार, शायद आउट है, नहीं भाई चलो, मतलब रोहित शर्मा इस सेव
यहाँ देखना होगा भाई कहाँ मारेंगे अभी। यहाँ पर वार्निंग तो मिल गया है वैसे कि आप अभी बाउंस नहीं कर सकते। अब इसको भी मैं भाई लेग साइड में पुल करूँगा। ओ मुझे लगा भी उड़ जाएगा बट नहीं उड़ा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई, 2 रन मिल जाएंगे अपने को इजीली। तीसरा ले सक नहीं भाई, यही गिरा वरना भाई तीसरा लेने वाला था। अगर और ओवर थ्रो रहता वो दूर थोड़ा तो रिस्क है भाई, रिस्क में ही तो मज़ा आता है ना। अब देखना होगा किस तरीके की गेंद होती है। स्लोअर बाउंसर हो सकती है ये, और इसको भी उड़ा दिया है कमाल की तरह। यहाँ है भाई फील्डर, पर 2 रन मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। 10 रन भाई 4 गेंद में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ भी नो बॉल। ओ भाई मतलब अपने पास है भाई फ्री हिट। हाँ यार उन्होंने बाउंस कर दिया था वो, बढ़िया 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 भाई। मतलब 3 में ही अपनी 11 हो गए, और 3 है 3 में और 11, 22 हो जाएंगे भाई। जीत पक्की। एक और बाउंसर हो सकता है, बाउंसर मार गए। ओ मिस कर दिया। वाइड देना चाहिए यार इसको, वाइड दे दो भाई। अरे वाइड नहीं नो बॉल। ओ भाई 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 एक और फ्री हिट मिलती हुई अपने को। मतलब फ्री हिट पे फ्री हिट भाई, 2 फ्री हिट्स मिल चुकी है। एक और फ्री हिट देखते हैं अभी। यॉर्कर हो सकता है, जी हाँ भाई यॉर्कर है। सामने की तरफ मारेंगे, मार भी दिया है बट भाई फ्री हिट का कोई लाभ नहीं उठा पाए हम लोग। कोई बात नहीं भाई 3 रन मिल गए ना भाई, एक गेंद पे 3 रन, 4 रन मिल गए सॉरी। कोई नहीं कोई नहीं भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 4 गेंदों में हम आ गए हैं शायद से 13 पे। विराट कोहली है स्ट्राइक पे। विराट कोहली भाई 2 गेंदों में 2 चौके मार दे, मस्त मज़ा आ जाएगा। क्योंकि भाई जानते हैं ठोक सकते हैं भाई विराट कोहली, और ठोकते भी है भाई। यहाँ पर देखना होगा अभी, 13 रन पर है हम लोग 4 गेंदों में। आखिरी की 2 गेंदे विराट कोहली है स्ट्राइक पर, और यहाँ इसको मैं चाहूँगा ऑफ साइड में भाई। ओह शिट यार कैच चले गया विराट कोहली का। कोई बात नहीं यार, ये खुश हो गए भाई पूरी पाकिस्तान की टीम। यार होनी चाहिए खुश भी, मतलब भाई विराट कोहली किंग का विकेट मिल गया आपको सुपर ओवर के आखिरी की 2 गेंदों में, वरना भाई क्या आपका हर्ष हो सकता था। कोई ना भाई, विराट कोहली का विकेट जाता हुआ। यहाँ मैं लाऊंगा भाई शुभमन गिल नहीं, मुझे चाहिए KL राहुल भाई। KL राहुल जो भाई मतलब प्राइम पे थे ना उस टाइम भाई, कैसे खेलते थे मालूम है। जिनको मालूम है भाई उनको मालूम है क्या चीज़ है KL राहुल। और इस गेम के लिए भी भाई शॉर्ट्स वगैरह मस्त है KL राहुल। रेड निकल है भाई बैट्समैन। आखिरी गेंद देखते हैं क्या छक्का मार सकते हैं। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि सामने जाके, चलो भाई कोई बात नहीं, 14 रन अपने करने होंगे डिफेंड भाई। भारत को अगर जीतना है इस मुकाबले को तो 14 रन करने होंगे डिफेंड, या फिर भाई भारत हार देगा ये मुकाबला। तो अपने सीट बेल्ट पर को कस के बांध लीजिए, क्योंकि भारत 14 रन चेस कर, माफ़ कीजिएगा, डिफेंड करने जा रहा है। पाकिस्तान क्या 14 रन चेस कर सकता है? देखिए शाहीन आफरीदी 2 विकेट थी दोनों ले ली, और रोहित शर्मा 11 रन बनाए 7 गेंदों में, मतलब 8 गेंदें डाली है भाई पाकिस्तान ने सुपर ओवर में। तो यहाँ मैं चाहूँगा भाई मोहम्मद शमी भाई, बहुत बहुत विश्वास है मोहम्मद शमी पे। फ़खर जमान है सामने, 14 चाहिए 6 में। देखते हैं भाई डिफेंड हो सकते हैं क्या। यहाँ पर मैं सादा सादा बॉल डालूँगा भाई स्ट्रेट एकदम, स्पीड अपनी ज़्यादा रखेंगे, बीट भी हो सकते हैं या सिंगल ले सकेंगे। और मार दिया है, शायद से डबल का ट्राई दे सकते हैं, नहीं शायद। तो 5 गेंदों में चाहिए भाई 13 रन। यहाँ पर पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, मसूद आए हैं भाई। आज चाहिए 13 में, मैं यहाँ पर नॉर्मल लगा देता हूँ भाई। फील्डर्स को थोड़ा खोल देते हैं, क्योंकि भाई यहाँ कोई पावर प्ले वगैरह मैटर नहीं करेगा, तो क्यों फालतू में हम लोग फील्डर्स को अंदर रखें भाई। ऊपर से मार देगा चौका चलेगा, चला गया तो फिर और जीत हाथ से जाएगी। और एक बात बता दूँ भाई, हार्ड कोर बॉलिंग थी और हार्ड बैटिंग थी भाई, कस्टम मोड का गेम प्ले ये। अब देखते हैं कहाँ मारते हैं। तो यहाँ शॉट बढ़िया है, नहीं भाई सिंगल ही मिलेगा, सिंगल ही मिलेगा। मतलब 4 में चाहिए 12 पाकिस्तान को। और यहाँ पर भाई एक और, यहाँ देखते हैं किस तरीके से फ़खर जमान एक और गेंद के लिए सामने। वाइड यॉर्कर डालना था मुझे यार, कोई बात नहीं बाहर की तरफ लेग कटर। देखते हैं किस तरीके से फ़खर जमान इसको खेलते हैं, शायद यहाँ पर बाहर की तरफ ही मारेंगे। नहीं भाई लेग साइड में खेला इसको, और वहाँ भी सिंगल ही मिलेगा। मतलब 3 में चाहिए 11। ओह भाई बच गए बच गए बच गए, मेरा ध्यान ही नहीं रहा भाई क्या दबाया मैंने। कोई बात नहीं, तो यहाँ 3 में 11 चाहिए, 1 डॉट और भारत की जीत, नहीं 2 डॉट और भारत की जीत ऐसा बोल सकते हैं। यॉर्कर भाई एकदम यॉर्कर, सटीक यॉर्कर डालेंगे पूरा स्टंप में। मसूद को भी पता चल गया, शायद भाई ये छक्का घुमाएगा, बैट घुमाएगा जम से।
अरे ये सिंगल ले लिया इसने तो यार। गई गई पाकिस्तान के हाथ से जीत, अब थोड़ी दूर जाती हुई। यहाँ रविंद्र जडेजा थोड़ी ना आए इनके पास की जो 2 गेंद में 10 रन बना लेंगे। ये बाहर की तरफ रखता हूँ मैं ताकि भाई लेग साइड में ज़्यादा खेलने का प्रयास करें और यहाँ पर कैच हो सकते हैं। और वही कैच हो गए, नहीं यार कैच छूटा, पर मैच भारत ने जीत लिया यहाँ पर। अब 1 गेंद में चाहिए होंगे 9 रन पाकिस्तान को जीतने के लिए। कोई बात नहीं भाई, चांसेस है थे जी विकेट कीपर, भाई विकेट मायने नहीं रखता है। आपने डिफेंड कर लिया इस टोटल को, एक छोटा सा टोटल था, हार्ड कोर बैटिंग है मतलब हार्ड कोर बॉलिंग है भाई पाकिस्तान के लिए। ये इजी था 14 रन निकालना, पर यहाँ पर एआई पाकिस्तान का शायद कहीं ना कहीं कम पड़ गया और भारत यहाँ पर जीतता हुआ। भाई अब मैं डालूंगा इसको एकदम इजी, मार भाई छक्का मार ले, ये और कर ले भाई छक्का मार ले। अभी पीछे की तरफ ये मारने का ट्राई हो सकता है इनका, देखते क्या करते हैं भाई। और ये हो गया भाई, चलो यहाँ 6 रन आ जाएंगे, नहीं 4 रन आ गए भाई, यहाँ तो छक्का मारना था। कोई बात नहीं, 4 रन भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है पूरे 4 रन से, 4 या 5, ओके वो ना बाय सुपर ओवर, ओके कोई दिक्कत नहीं भाई। तो यहाँ भारत ने इस मुकाबले को जीता, जीत की खुशी भाई ये प्लेयर्स में, क्योंकि पूरे पूरे ओवर्स भाई खेले हैं। तो यहाँ 9 रन बनाया पाई है केवल पाकिस्तान की टीम और भारत ने बनाए थे 13 रन। तो अगर वो दोनों बॉल नहीं होते तो शायद थोड़ा अलग हो सकता था निर्णय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।